हेलो गैस, वेलकम माय चैनल ड्राइव टू इजी। तो आज हमारे साथ मिनील है जो नए स्टूडेंट है, आज उनका पहला दिन है। तो आज उनके बेसिक बताया जाएगा क्या क्या बेसिक में जो गाड़ी में जब बैठते हैं तो उसको क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के क्या क्या फीचर है, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर कैसा है, और अपना कार गियर के बारे में और इंडिकेटर के बारे में, मतलब जो भी बेसिक आज गाड़ी का जो होता है पहला दिन सिखाया जाता है थ्योरी। तो आज भी थ्योरी में इनको बताने वाला है मिनील को। तो चलिए बात करते हैं मिनील से। आपका पूरा नाम क्या है मिनील? मैनिल चरला। मिनिल चरला, यस। इससे पहले कभी आपने गाड़ी चलाया है? नहीं। अच्छा, मतलब टू व्हीलर चलाते हो आप? टू व्हीलर चलाया, फोर व्हीलर फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी के अंदर जब बैठेंगे तो सबसे पहले जो है तीन काम करना है। पहले सीट एडजस्ट करना है, उसके बाद मिरर, ये मिरर एडजस्ट करना है, और फिर सीट बेल्ट लगाना है। ठीक है, तो सीट एडजस्ट करने के लिए ना पहले सीट पीछे ले लो, आराम से आप पूरा पीछे ले लो। ठीक है, देखिए वो सामने आपको दिख रहा है, पहला वाला जो है एक्सीलेटर, ब्रेक, हाँ, और ये ब्रेक और क्लच, ए बी सी, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। एक्सीलेटर, ब्रेक, ब्रेक और क्लच। ये आपका लेफ्ट पैर जो है ना सिर्फ क्लच के लिए यूज़ होएगा, सिर्फ क्लच के लिए। राइट पैर से ब्रेक और एक्सीलेटर यूज़ करना है आपको। अभी क्लच को पूरा दबाइए, आप नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा लॉक करेगा। सीट को आगे कीजिए और आगे कीजिए, बस 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 बस, आप क्लच दबाइए पूरा पूरा, प्रेस प्रेस और पूरा, हाँ ठीक है। ओके, अब वो मिरर सेट कीजिए आपका, ये वाला मिरर। एक मिनट, ये चाबी लो, इसके इग्निशन ऑन करो गाड़ी का, घुमाइए बस। अब वहाँ पे देखो ब्लैक कलर का वहाँ पे बटन ऊपर, हाँ ये उससे एग्जस्ट, नहीं नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ ये एग्जस्ट कीजिए। ओके, अब ये बैक मिरर एडजस्ट करो, दोनों हाथ से एडजस्ट करना, पीछे का पूरा दिखना चाहिए आपको। ओके, और ये वाला मिरर आपको दिख रहा है बराबर, ये मिरर? नहीं नहीं, वो यहाँ पर रहेगा, मेरे पास रहेगा ये। ओके है ना, बैक का दिख रहा है ना। तो अभी आपने सीट एडजस्ट किए और अपना मिरर एडजस्ट किया, आपको सीट बेल्ट लगाना है अभी। ठीक है, ओके। अभी दूसरा जो यहाँ पे आपको मैं इग्निशन दिखाता हूँ, जितनी भी जो लाइट जल रही है ना, ठीक है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये सारी लाइट चली जाएगी। अभी आपको ये लाइट दिख रही है बैटरी का और ऑयल का, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये लाइट चली जाएगी। अगर कोई लाइट नहीं जाती है तो समझो उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो RPM है, और ये एक्स अपना रेस का काटा है, और जो लाल लाइट जल रही है ना वो हैंड ब्रेक का है। ठीक है, और बीच वाला जो दिख रहा है वो हेडलाइट का, जो लाइन लाइन दिख रहा है ना वो, पीछे घुमाइए हेडलाइट का, ये घुमाइए, नहीं नहीं पीछे से, हाँ घुमाइए राइट में एक, और ये घुमाइए, देखो हेडलाइट चालू हो गया अभी, बंद कर दो, अरे बंद कर दो। और दूसरा जो दरवाजे का है, डोर का है, ठीक है, अगर मैं डोर खोलता हूँ ना, डोर ओपन देता है, हाँ खोल के देखिए, ओपन हो गया ना, अब बंद कर दीजिए, लाइट चली गई। ठीक है, अब एक नीचे, अगर आपको राइट जाने का है तो नीचे वाला दबाइए, नीचे प्रेस कीजिए, तो राइट का लाइट जल रहा है, और लेफ्ट जाने का तो ऊपर। ओके ठीक है, और वहाँ पर जो सी दिख रहा है, यस, बाजू में जो है सी यानी कूल, और ऊपर जो लाइट जल रही है, हाँ टेम्परेचर, वो ऊपर जो है येल्लो का जो है वो स्टेयरिंग का है वो। ओके, और एच वाला भी है, अभी ना गाड़ी ठंडी है इसलिए वो सी दिखा रहा है। ओके, जब गाड़ी गर्म हो जाएगी ना तो वहाँ पे एच लाल में अगर दिखाएगा तो गाड़ी चलाना नहीं है, इसमें रेडिएटर होता है, हीट की वजह से रेडिएटर जब गर्म हो जाएगा ना तो गाड़ी गर्म दिखाती है। ओके, और रेडिएटर हीट होने की तीन वजह है। पहला वजह क्या है, रेडिएटर के सामने फ़ैन होता है, अब फैन चलते चलते बंद हो गया तो रेडिएटर हीट हो जाएगा, तो इंजन भी हीट हो जाता है उसमें। दूसरी वजह है, अगर उसका पानी लीक हो गया कूलर वाटर तो भी हीट दिखाएगा। और तीसरी वजह है कि मिट्टी वगैरह जम जाती है रेडिएटर के अंदर ना, तो चॉकअप हो जाता है, तो पानी सर्कुलेट नहीं करता है, तो गाड़ी जो हीट दिखाती है। ठीक है, ये तीन वजह है। और जब भी गाड़ी हीट हो जाएगी गाड़ी को साइड में कर देना, अगर CNG गाड़ी है तो चलाना बहुत डेंजर है, गैस किट उड़ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो वाइपर का है, हाँ स्लो नीचे करो, एक करो नीचे,
नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये स्लो, ये मीडियम और ये हाई करो, स्लो हाँ मीडियम हाई जी हाँ। बस बंद कर दो, अभी आपको दिखाता हूँ घेर के बारे में, ठीक है। ये हमारा घेर है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स, ठीक है। ये गियर जो है, एक मिनट, ये जो गियर दिख रहा है आपको ना, ये गियर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स। अब ये जो गियर तीन और चार के बीच में होता है, क्लच को दबाइए पूरा, क्लच को पूरा क्लच दबाइए। हाँ मैं बताता हूँ, एक मिनट, फर्स्ट गियर डालने के लिए यहाँ प्रेस कीजिए फर्स्ट, यहीं प्रेस करते हुए सेकेंड, और ये ऑटोमेटिक बीच में आ जाता है, ये सीधा थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। न्यूट्रल है, हाँ ये न्यूट्रल है सेंटर, और यहाँ प्रेस कर देखिए पांचवा घेर, फिर न्यूट्रल कर दो, और ये एक कड़क आवाज़ आ गया, समझे रिवर्स घेर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये रिवर्स डालिए, फर्स्ट हाँ सेकेंड ओके, नहीं नहीं थर्ड नहीं गया वो, थर्ड ओके फोर्थ हाँ, नहीं नहीं घेर में वो नीचे करो हाँ, फिफ्थ नहीं रिवर्स नहीं गया, एक कड़क आवाज़ आ गया तो समझो रिवर्स है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो लाइट दिख रही है ना, वो रेड कलर की, वो ब्रेक लाइट है, हैंड ब्रेक लाइट है ये। गाड़ी में दो होते हैं, हाँ वो लाल वाला, गाड़ी में दो ब्रेक होते हैं, एक पैर की तरफ होता है और एक हैंड ब्रेक उसको कहते हैं, ठीक है। अभी हैंड ब्रेक जो है ये, अभी अब दबाओ उसको, लॉक कीजिएगा, ये दबाओ लॉक है, इसको उठाओ उठाओ, नहीं पहले उठाइए, हाँ फिर ओके नीचे कीजिए पूरा, नहीं बटन दबा के, हाँ दबाओ अभी बटन, हाँ नीचे कीजिए, ये आपका हैंड ब्रेक फ्री हो गया, हाँ फ्री हो गया, हाँ वापस लॉक करो, बिना बटन दबाए, बिना बटन दबाए ये लॉक हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक राउंड मार के आते हैं, ओके। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वो जो आपका एक्सीडेंट, अभी आप आपका तीन सेशन रहेगा, पहला सेशन रहेगा कि आपको जो है स्टेयरिंग का बैलेंस बताएंगे, उसके बाद क्लच ब्रेक और फिर रिवर्स पार्किंग, ठीक है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए, खाली एक्सीडेंट दबा कर छोड़ दीजिए, कर दबाइए वो बाजी में एक्सीडेंट दबाइए और चाबी घुमाइए, एक्सल दबाते हुए दबा, एक्सलर जब तक गाड़ी चालू रहेगा उसको चाबी छोड़ना नहीं, बस हटाओ, ठीक है। तो अभी जो है क्लच ब्रेक मैं कंट्रोल करूँगा, आपका स्टीयरिंग का बैलेंस कैसा है वो देखना है, ठीक है। चलिए परफेक्ट, पीछे बैठ जाइए, चलिए लेफ्ट का इंडिकेटर दो, लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, चलिए लेफ्ट में ओके, सीधा कर दो स्टीयरिंग, इंडिकेटर सही कर दो, हल्का सा लेफ्ट में रखिए, हल्का सा एक्सीलरेटर दो, हाँ हल्का एक्सीलरेटर दो, ये पीछे बस स्कूल बस है ना, तो उन लोग को जाने की बहुत जल्दी होती है सुबह सुबह, अभी हल्का सा लेफ्ट में रखिए, उसका पासिंग दे देंगे हम लोग बस वाले को आराम से, चलिए विराट से निकालिए, और राइट में लीजिए, परफेक्ट, चलिए तो आपका जो भी जो रोड का जजमेंट है ठीक है,
और एक दिन जाएगा आपका स्टेयरिंग का बैलेंस क्लियर करने के लिए। तो दूसरों से तो बहुत अच्छा ही है, जो नए स्टूडेंट होते हैं ना। मैं इसलिए पूछा था कि आप पहले भी गाड़ी चलाए नहीं चलाए तो ऐसे चलाया। अच्छा बहुत टाइम पहले। अच्छा बहुत टाइम पहले आप गाड़ी चलाए थे। हाँ इसलिए कि थोड़ा बैलेंस आपका अच्छा है स्टेयरिंग का। अच्छा ऑटोमेटिक तो एक्टिव चलाने के बराबर ही है। राइट में लेना आराम से, ज़्यादा नहीं, आराम से घुमा किलो राइट हमेशा घुमा के लेने का, ठीक है। पर नज़र हमारी चारों तरफ होनी चाहिए, हर 2-3 सेकंड में जो राइट का मिरर देखना है और बैक मिरर देखते रहना है। ये जो मिरर होते हैं ना मिनर, ये हमारी तीसरी आँख है, इनको कंपलसरी फॉलो करते रहना है आपको। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे ना, ये हर बार 2-3 सेकंड में राइट का मिरर देखना है कि पीछे से कौन आ रहा है, कौन कितने डिस्टेंस पे हमारे गाड़ी के पीछे है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए गाड़ी के अंदर। आराम से गाड़ी लेफ्ट में रखते ही, चलिए लेफ्ट में रख के चलिए और आराम से। और परफेक्ट, तो आज मिनल का पहला दिन है और बेसिक उनको बता दिया नॉलेज मैंने मिनल को। तो मिनल पहले भी जो ऑटोमेटिक गाड़ी चला चुके हैं, इस वजह से इनका स्टेयरिंग का बैलेंस बहुत ठीक ठाक है, बहुत बेहतर है। आराम से राइट का राइट में से लेफ्ट में लीजिए गाड़ी, हमें ज़्यादा राइट में, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, स्कूल के बच्चों का जो है बस वगैरह चलती रहती है। और आज मंडे है तो वर्किंग डे आज। आप रहने को अशोक नगर में रहते हैं ना आप? मिलिट्री रोड पे। आराम से राइट से बस को राइट से ओवरटेक करके चल रहा हूँ, ओवरटेक करो राइट से। चलिए बस को जा रहा है, चलिए लेफ्ट में लीजिए फर्स्ट। ओहो ये रिवर्स लेने वाला है भाई। अच्छा ठीक है, चल राइट मार के चलिए, स्टिंग राइट में घुमाइए आराम से। चलिए लेफ्ट में लीजिए स्टेयरिंग और लेफ्ट में लीजिए, चलिए सीधा कर दीजिए स्टेयरिंग को। परफेक्ट, अभी ये गाड़ी वाला रिवर्स ले रहे हैं ना। हाँ चलिए, आराम से देखते हुए चलिए गाड़ी लेफ्ट में लीजिए और राइट में घुमाइए स्टीयरिंग। राइट में आप लेफ्ट में ले रहे हो, राइट में लो और राइट में लो, चलिए सीधा। अब यहाँ से हम यूटर्न मार लेंगे मिनल, ठीक है, एक गेट के पास है। हाँ आगे जाके रिटर्न लेंगे। तो ये गाड़ी यहाँ पे लेफ्ट में पे स्टॉप कर दीजिए, राइट में लीजिए स्टीयरिंग, राइट में घुमाइए। ओके ठीक है, तो ठीक है, आज का आपका पहला दिन था, इसलिए मैंने आपको जो बेसिक बताने के बाद यहाँ से जाते गाड़ी चला के लेकर आए।
ठीक है। तो सेकेंड डे हम और जो है दूसरा सब का स्टेरिंग का बैलेंस तो ठीक ही है, और एक दो दिन चला के देखते हैं, उसके बाद आपको क्लच ब्रेक का मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, थैंक्स।